गाड़ी में बैठ गाड़ी में बैठ मैम सैटिस्फाइड मैम आर यू सैटिस्फाइड विद हाउ वुड यू रेट योर ओन परफॉर्मेंस मैम आउट ऑफ 10 मैं निर्मला सीतारमण समन रमन जाते हुए चेहरे पे मुस्कान थी हालांकि देना चाहेंगे अपने ही परफॉर्मेंस को लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ दिए एक तरीके से ऐसा लगता है थोड़ी देर के बाद जब औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब वो बात करेंगी सवालों के जवाब देंगी मौसमी सिंह उनसे सवाल पूछ रही थी आलोक जी आप अपनी बात पूरी कीजिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ कतई नहीं हूं मैं चाहता हूं डिसइन्वेस्टमेंट हो लेकिन कब हो कैसे हो कैलिब्रेटेड हो उससे आपको लाभ हो और उस पैसे का आप क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं सिर्फ ऐलान ना हो कई वर्षों से सरकारी कर्ज कम हो रहा है लगातार अगर आप ध्यान से देखें लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है अगर आप वो कर्जा भी बढ़ाते रहें और डिसइन्वेस्टमेंट भी करते रहें तो इवेंचुअली जो बचा खुचा है सब कुछ बेचना पड़ जाएगा आखिर में आप कहेंगे साहब ये दिल्ली में इतनी सरकारी इमारतें इनको बेच दीजिए हर इमारत का खरीदार मिल जाएगा इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं आप आखिर में अगर आपके पास बेचने को कुछ नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे विनिवेश की बात तो लंबे समय से सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कर रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ आप भी बोलते रहे इसीलिए मैं पूछ रही हूँ लेकिन बेचने के बाद उस पैसे का आप क्या करने जा रहे हैं पहले बेचे तो सर अभी तो बेचने में ही हाथ ये समेट लेते हैं चाहे एयर इंडिया है भारत पेट्रो है सबका ने कहा है कि बजट पेश करने के बाद वो संतुष्ट हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं उम्मीद है प्रधानमंत्री भी संतुष्ट होंगे जाहिर सी बात है अभी वो बयान आता होगा लेकिन सवाल यह है कि बजट सरकार अपनी संतुष्टि के लिए लाती है या देश की संतुष्टि के लिए लाती है उन तमाम तबकों की संतुष्टि के लिए लाती है जिन्होंने पिछले एक साल में जिनकी कमर टूट गई है जिनकी नौकरियां चली गई है जिनके काम धंधे ठप हो गए थोड़ी सी बात कही थी राहत बुजुर्गों को प्रणाम 75 साल के लोगों को 75वें सालगिरह पे प्रणाम मिला क्या आप मुझे वो बुजुर्ग बता दीजिए जो सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट पर गुजारा कर रहे हों और उनको इनकम टैक्स में रिलीफ की जरूरत हो अब बहुत सारे बुजुर्ग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं किसी का घर है जिसमें एक पोर्शन उन्होंने किराए पे दे रखा है ऐसा हर आदमी इस दायरे से बाहर है अब कौन बचेगा तो जिसकी जरा भी एक्स्ट्रा इनकम है उसको अपनी रिटर्न भरनी तो राहत किसे मिलेगी